हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। बच्चों, डी यू सोल का पेपर स्टार्ट होने वाला है 4 तारीख को। अप्रैल का पहला पेपर होगा और ये दूसरे पेपर का हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन है, ठीक है। तो इसका थ्री क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। ये चौथा क्वेश्चन रहेगा, रोमांस प्रधान फिल्में और भारतीय समाज पर अपना विचार लिखिए, ठीक है ना भाई। रोमांस प्रधान फिल्में और भारतीय समाज पर अपना विचार को अब लिखिए, ठीक है ना, क्या है ना। चलिए, तो इसका आंसर है सिनेमा जनसंचार मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है, ठीक है ना। सिनेमा का है भाई एक जनसंचार मनोरंजन का एक क्या है भाई जरिया है, साधन है। जिस तरह साहित्य समाज का दर्पण होता है, जिस तरह कर है साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरह सिनेमा भी समाज का प्रतिबिंबित करता है। भारतीय युवाओं में प्रेम के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की बात हो या सिनेमा के कलाकारों के पहनावे के रूप में अनुरूप फैशन का प्रचलन, ये सभी समाज पर सिनेमा का ही प्रभाव है। आप लोग देखते हैं ना, बाल का कटिंग है ना, हाँ, शाहरुख खान जो रखेगा है ना, सलमान खान जो रखेगा है ना, अजय देवगन जो रखेगा, वही बाल हमको रखवाना है। मैक्सिमम अगर देखिए सैलून में तो बहुत सारे जो है, अब आजकल तो देखते हैं कि हॉलीवुड के भी जो कुछ सिंगर या जो हीरो है उनका रख लेता है सब, लेकिन हमारे जो लाइफ में है वो फिल्म से अटैच है ना। सिनेमा अर्थात चलचित्र का आविष्कार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, ठीक है ना। सिनेमा अर्थात चलचित्र का आविष्कार कब हुआ था, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। चित्रों का संयोजित कर उन्हें दिखाने का ही चलचित्र कहते हैं। इसके लिए प्रयास तो 1870 ईस्वी के आसपास में ही शुरू हो गए थे, किंतु इस स्वप्न को साकार करने में विश्वविख्यात वैज्ञानिक एडिशन एवं फ्रांस के ल्यूमीर बंधुओं को का योगदान प्रमुख था, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम जो है प्रयास 1870 में ही किया गया था, जिनका स्वप्न को साकार किया, जो कि विश्वविख्यात वैज्ञानिक जो हैं एडिशन और फ्रांस के ल्यूमीर बंधुओं का योगदान है, ठीक है ना। ल्यूमीर बंधुओं ने 1895 ईस्वी में एडिशन के सिनेमेटोग्राफी पर आधारित एक यंत्र की सहायता से चित्रों को चलते हुए प्रदर्शित करने में सफलता पाई और इस तरह सिनेमा का आविष्कार हुआ, ठीक है ना। 1895 में ही एडिशन के सिनेमेटोग्राफी पर आधारित एक यंत्र की सहायता से ल्यूमीर बंधुओं ने एक चलचित्र को प्रदर्शित किया था, ठीक है ना, सफलता पा लिया था। अपने आविष्कार के बाद लगभग 3 दशकों तक है ना भाई सिनेमा मुख बना रहा, ठीक है। जब आविष्कार होने के बाद भी 3 दशक तक मतलब ऐसा ही चुपचाप रहा ना। वर्ष 1927 में वार्नर ब्रदर्स ने आंशिक रूप से शावक फिल्म जाज सिंगर बनाने में सफलता पाई, ठीक है ना। बाद में कह रहे हैं 1927 में वार्नर ब्रदर्स ने आंशिक रूप से स्वाक फिल्म जैज सिंगर बनाने में सफलता पाई। इसके बाद वर्ष 1928 में पहली पूर्ण स्वाक फिल्म लाइट्स ऑफ न्यूयॉर्क का निर्माण हुआ। सिनेमा के आविष्कार के बाद से इसमें कई परिवर्तन होते रहे और इसमें नवीन तकनीकों का प्रयोग होता रहा। अब फिल्म निर्माण तकनीक अत्यधिक विकसित हो चुकी है, इसलिए आधुनिक समय में निर्मित सिनेमा के दृश्य एवं ध्वनि बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, ठीक है ना। अब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बहुत सारा बढ़ गया, देखिए कितना अच्छा पिक्चर क्वालिटी HD, अब क्या क्या क्वालिटी आ गया, बहुत सारा साउंड में भी देखिए बहुत सारा क्वालिटी है ना। सिनेमा की शुरुआत से ही इसका समाज के साथ गहरा संबंध रहा है। प्रारंभ में इसका उद्देश्य मात्र लोगों को मनोरंजन करना भर था। अभी भी अधिकतर फिल्में इसी उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है। इसके बावजूद सिनेमा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि सिनेमा समाज के लिए अहितकर है एवं इसके कारण अपसंस्कृति को बढ़ावा मिलता है। समाज में फिल्मों के प्रभाव से फैली अश्लीलता एवं फैशन के नाम पर नंगेपन को इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु सिनेमा के बारे में यह कहना है कि देखिए ये नंगेपन बोल रहा है, जैसे छोटे छोटे कपड़ा पहनता है ना, बिकनी साइड है ना, तो इसलिए बोला जा रहा है ना, और बहुत लोग करते भी है, देखा देखिए ना। यह केवल बुराई फैलाता है, सिनेमा के साथ अन्याय करने के तुल्य होगा। सिनेमा का प्रभाव समाज पर कैसा पड़ता है या समाज की मानसिकता पर निर्भर करता है।
सिनेमा में प्रायः अच्छे एवं बुरे दोनों पहलुओं को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। समाज यदि बुरे पहलुओं को आत्मसात करे तो इसमें भला सिनेमा का क्या दोष है। सही बात है, इसमें तो बुराई और अच्छाई सब दिखाया जाता है, लेकिन अब अगर आप बुरा वाला पकड़ लीजिएगा, अच्छाई वाला देखिएगा नहीं, तो फिर आप उनका फिर क्या दिक्कत है ना। विवेकानंद ने कहा था, संसार की प्रत्येक चीज़ें अच्छी है, पवित्र है और सुंदर है। यदि आपको कुछ बुरा दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह चीज़ बुरी है, इसका अर्थ यह है कि आपने उसे सही रोशनी में नहीं देखा, ठीक है ना। विवेकानंद ने कहा है कि अगर आप बुरा कोई चीज़ को देख रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह चीज़ बुरी है, इसका अर्थ यह है कि आपने उसे सही रोशनी में नहीं देखा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ जो युद्ध की त्रासदी को प्रदर्शित करने में सक्षम थी। ऐसे फिल्मों से समाज को सार्थक संदेश मिलता है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सिनेमा सक्षम है। दहेज प्रथा और इस जैसी अन्य सामाजिक समस्याओं का फिल्मों में चित्रण कर कई बार परंपरागत बुराइयों का विरोध किया गया है। समसामायिक विषयों को लेकर भी सिनेमा निर्माण समन्वय होता रहा है। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। दादा साहब फाल्के द्वारा यह मुख्य वर्ष 1913 में बनाई गई थी। उन दिन फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था, ठीक है ना। जब दादा साहब फाल्के जब फिल्म बना रहे थे तो उस समय कोई ये अच्छा नहीं समझता था कि हम फिल्म में जाएं। तब महिला किरदार भी पुरुष ही निभाते थे, उस समय महिला जो थी इतना एक्टिव नहीं थी कि हम फिल्म में जाएं। तो उस समय जो है पुरुष नहीं क्या करता था, औरत का भेष बनाता था। जब फाल्के जी से कोई यह आता कि आप क्या करते, तब वे कहते थे एक हरिश्चंद्र की फैक्ट्री है, हम उसी में काम करते हैं। उन्होंने फिल्म में काम करने वाले सभी पुरुष कर्मियों को भी यह कहने की सलाह दे रखी थी, ठीक है ना। किंतु धीरे धीरे फिल्मों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव देख उनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता गया। भारत में इंपीरियल फिल्म कंपनी द्वारा आरदे श्री ईरानी के निर्देशन में वर्ष 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई गई। प्रारंभिक दौर में भारत में पौराणिक एवं ऐतिहासिक फिल्मों का बोलबाला रहा, किंतु समय बीतने के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक एवं साहित्यिक फिल्मों का भी बड़े संख्या में निर्माण किया जाने लगा, ठीक है ना। आप देखबे कर रहे हैं, अब बहुत सारे फिल्में जो है राजनीति पे आती है, समाज पे आता है, साहित्य पे आता है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी, मुगल ए आजम, मदर इंडिया आदि फिल्मों ने समाज पर अपना गहरा प्रभाव डाला है। 19वीं सदी के 60 और 70 एवं उसके बाद के कुछ दशकों में अनेक ऐसे भारतीय फिल्मकार हुए जिन्होंने कई सार्थक एवं समाज उपयोगी फिल्मों का निर्माण किया है। सत्यजीत राय, पाथेरी पंचाली, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी, वी संताराम, डॉक्टर कॉटिनिस, अमर कहानी, दो आंखें, 12 हाथ, शकुंतला, है ना। ये सब बहुत सारा जो है फिल्म है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा पढ़िएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। तो मैं दिखा देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, गीत संगीत नाटकीयता एवं मार धाड़ से भरपूर। पहले तो एकदम बच्चे में क्या होता था, मार धाड़ वाली मूवी एक्शन फिल्म में मज़ा आता था देखने में ना। ये देखिए गीत संगीत,
तो बच्चों यहीं पे समाप्त हो गया है। अब आप लोग इसको पढ़िए, बढ़िया से पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन का, ठीक है ना? एकदम बिल्कुल मजाक मत लीजिएगा, ओके? और अगर आप लोग को अच्छा लगता है, अगर आप लोग को लगता है कि इस वीडियो से आप लोग को हेल्प हुआ है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो कि अभी तक नहीं जानते उनके बीच शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? चलिए, अप्रिशिएट करिए आप लोग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।